अगर आप विदेश में छुट्टियां मनाना चाहते हैं लेकिन आपका बजट आपको इसकी इजाजत नहीं देता, तो हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे फॉरेन डेस्टिनेशंस के बारे में जो खूबसूरत होने के साथ साथ आपके बजट में भी फिट बैठेंगे। ये है मधुर और रजत। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये इतने परेशान दिख रहे हैं। दरअसल बात ये है कि अगले महीने इनके मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है और ये दोनों तोहफे के तौर पर उनके लिए फॉरेन ट्रिप स्पॉन्सर करना चाहते हैं। पर परेशानी इस बात की है कि इनका बजट सिर्फ 50,000 रुपए का है। इतने रुपयों में यूरोप और यूएस जाना तो मुश्किल है। अब देखना ये है कि कौन कौन सी डेस्टिनेशंस होंगी इनके बजट में फिट। कुछ बेस्ट डील्स जानने के लिए उन्होंने फोन लगाया कुछ ट्रैवल एजेंट्स को। ट्रैवल एजेंट के बुलाने पर ये पहुंच गए उनके ऑफिस। एजेंट ने इन्हें बताया कि इस बजट में 3 डील्स मिल सकती हैं। श्रीलंका के 3 दिन और 5 रातों के पैकेज के लिए उन्हें देने होंगे 36,500 रुपए। वहीं 2 लोगों के लिए थाईलैंड के 3 दिन और 2 रातों के पैकेज के लिए उन्हें देने होंगे 47,000 रुपए। सिंगापुर के 3 दिन और 2 रातों का पैकेज उन्हें पड़ेगा 42,300 रुपए में। इन सभी पैकेजेस में वीजा चार्जेस, एयरफेयर, एयर टिकट टैक्सेस, हाफ डे सिटी टूर, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, रिटर्न एयरपोर्ट ट्रांसफर्स, 3 और 4 स्टार होटल्स में एकोमोडेशन और रिटर्न इकोनॉमी क्लास एयर टिकट शामिल है। 50,000 रुपए के अंदर एक कपल, क्योंकि रूम तो उन्होंने एक ही शेयर करना है, ट्रांसपोर्ट भी टैक्सी एक ही लेनी है, ठीक है जी। तो सिर्फ जो एयरफेयर है वो आज 15-16,000 रुपए का एयरफेयर है, तो अगर 2 जनों का 30,000 रुपए का एयरफेयर हुआ तो 20,000 रुपए काफ़ी है वहाँ पर एक बजट अकोमोडेशन में बेड एंड ब्रेकफास्ट में रहने के लिए। और तो काफ़ी लोग साउथ ईस्ट एशिया जो पहले कभी सोच नहीं सकते थे वो जा रहे हैं। तसल्ली के लिए और कुछ और अच्छे डील्स जानने के लिए ये दोनों पहुंच गए एक और ट्रैवल हाउस में, जहां उन्हें वही डील कुछ अलग दामों में मिली। थाईलैंड के 4 दिन और 3 रातों का पैकेज उन्हें 48,000 रुपए में मिला, वहीं सिंगापुर के 4 दिन और 3 रातों का पैकेज उन्हें 50,000 रुपए में मिला। सारी पूछताछ और जानकारी के बाद उन्होंने फाइनली अपने पेरेंट्स को थाईलैंड भेजने की सोची। मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, मैं और मेरी बहन काफ़ी परेशान थे कि उनको क्या गिफ्ट दिया जाए। फिर फाइनली हम लोगों ने काफ़ी ढूंढा और उनको एक अमेजिंग, एक बहुत ही एडवेंचरस गिफ्ट दिया। हम लोगों ने उनके लिए एक ट्रैवल पैकेज बुक किया और अब जब उनको पता चलेगा कि हम उनको ये गिफ्ट दे रहे हैं तो उनको बहुत खुशी होगी। एंड वी ऑल्सो फील वेरी हैप्पी दैट वी डिड समथिंग फॉर देम। दोनों बच्चों ने मिलकर अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी को स्पेशल बनाने के लिए एक प्यारा सा तोहफा अरेंज कर ही लिया, एक ऐसा तोहफा जो शायद उनके पेरेंट्स कभी ना भूल पाए। जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो देखा आपने कैसे मधुर और रजत ने थोड़ी सी भाग दौड़ करके अपने पेरेंट्स को उनकी एनिवर्सरी पर फॉरेन ट्रिप का एक प्यारा सा तोहफा दे दिया। तो अगर आप भी विदेश यात्रा करना चाहते हैं लेकिन बजट कम है, तो घबराने की बात नहीं, थोड़ी सी छानबीन कीजिए, ऑप्शंस बहुत हैं।